सो वेलकम गाइस, आशा करता हूँ आप सब बहुत ही मन लगा के पढ़ रहे होंगे। ये आपका सेकेंड पार्ट होगा, ठीक है, घड़ी वाला। घड़ी का जो मैं कंसेप्ट, क्लॉक का जो क्वेश्चंस आते हैं रीजनिंग में, उसको आप विद इन ए सेकेंड, हार्डली 20 सेकेंड में कैसे कर सकते हो, इसका ये पार्ट टू है, ठीक है। पार्ट वन आप ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने बता दिया। ये पार्ट टू है उसका, ठीक है। इसमें हम रिफ्लेक्स एंगल पे बात करेंगे, ठीक है। रिफ्लेक्स एंगल आएगा तो किस तरीके से आपको बताना है, मैं जल्दी से समझा देता हूँ कि रिफ्लेक्स एंगल बेसिकली होता क्या है। मान लो ये आपका एक कोन है, ठीक है, ये कोन है, ठीक है। तो ये अगर थीटा है तो इसके ये बाहर वाला जो होगा ये होगा आपका रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। और रिफ्लेक्स एंगल जो होता है, हमेशा याद रखना, रिफ्लेक्स एंगल जो होता है हमेशा ग्रेटर देन 180 डिग्री होता है और लेस देन 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो बेसिक क्वेश्चंस ही होंगे, बस थोड़ा सा इसमें मैंने नया कंसेप्ट इंक्लूड कर दिया जो एग्जाम में पूछा जाता है। पहला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, बहुत ही टाइम निकाल के आपके लिए वीडियोस बनाए जाते हैं, तो उसका बेस्ट यूज़ करो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज, और ओनली वन फेवर फ्रॉम ऑल ऑफ यू गाइज, अगर आप इस चैनल पर नए हो और अगर आपका ड्रीम है टू गेट ए जॉब इन बिहार, अगर आप बिहार के जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, देन दिस चैनल इज टोटली डेडिकेटेड टू बिहार एग्जाम। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाएगा, बाकी इन्जॉय दी वीडियो और बेहतरीन कंसेप्ट आप सीखोगे आज, और फर्स्ट पार्ट आप जरूर देख लीजिएगा, मैं लिंक भी नीचे दे दूंगा। और कुछ भी डाउट हो आप नीचे कमेंट कीजिएगा। सो स्टडी वेल, स्टडी हार्ड, फाइव, ठीक है। अब देखो, जो रिफ्लेक्स एंगल का मैंने कंसेप्ट समझाया उसके ऊपर आप क्वेश्चन आ गए। देखो, द रिफ्लेक्स एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक 6:30, मतलब 6:30 पर बाह्य कोण की सुई के बीच कितना बाह्य कोण बनेगा, ठीक है। तो देखो, इसका आपको रिफ्लेक्स एंगल निकालना है, ठीक है। तो देखो, इसको आपको सबसे पहले क्या करना है, देखो जैसे ही मैंने करूँगा 6:30 मैंने किया, ठीक है, तो क्या होगा, 6×5=30, मतलब 1:5 आ गया। मतलब क्या, मैं मिनट को डायरेक्टली डिवाइड कर दूंगा किससे, 2 से, तो मतलब 15। पर ये मेरा 15 नहीं आएगा, ये तो मेरा आया नॉर्मल, यहाँ का 15 आया, ठीक है। पर ये मुझे पूछा क्या है, व्हाट इज द रिफ्लेक्स एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक, मुझे ये पूछा है रिफ्लेक्स एंगल। तो ये जो मेरा आया ये रिफ्लेक्स एंगल नहीं, वो तो मेरा मेन एंगल आया, ठीक है। मुझे ये पूछा इसका अपोजिट, मतलब रिफ्लेक्स एंगल। तो 15, तो 360 से मैं क्या कर दूंगा इसको, क्योंकि पूरा क्या होता है 360 होता है, तो मैं क्या करूंगा इसको 15 माइनस कर दूंगा, तो याद आएगा 345, ठीक है। यहाँ मैंने डायरेक्टली ट्रिक से निकाला है, आप इसी चीज़ को क्या कर सकते थे, आप इसी चीज़ को क्या कर सकते थे, एंगल लिख के यहाँ लिखते हैं क्या, 11/2 इंटू मिनट माइनस 30 इंटू एच लिखते, ठीक है। तो एंगल में पहले निकालता तो क्या लिखता है, 11/2 इंटू मिनट, मिनट मुझे कितना दिया है यहाँ 30 दिया है, माइनस 30 इंटू एच, एच कितना दिया मुझे 6 दिया है, ठीक है। तो यहाँ था आपका कितना 15 आता, तो 15 इंटू 11 करोगे तो कितना आ जाएगा, 165 आ जाएगा, ठीक है। और यह आ जाएगा 6×18, यह आ जाएगा 6×18, ये तो आ जाएगा 180, ठीक है। तो जब 180 आ जाएगा तो ये -15 आ जाएगा, पर -15 नहीं लेना, एंगल माइनस में नहीं लेना, हमेशा प्लस में लेना है, ठीक है। तो आपका कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 15 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। देखो जैसे कि आपके 5, 5, 0, 6, 7 और एक 8, मतलब ये 15 डिग्री आपका यहाँ आ गया। तो इसी को मैंने डायरेक्टली कर दिया, आप ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो, बस इतना दिमाग रखना ये हमेशा प्लस में यहाँ आएगा, ठीक है। चाहे माइनस हो के, अगर यहाँ माइनस भी आ रहा है तो उससे कुछ नहीं, आपको आंसर जो यहाँ एंगल प्लस में लेने हैं, ठीक है। कुछ भी डाउट हो फील फ्री टू मैसेज भी, ओके। तो आप डायरेक्टली, पर ये 15 डिग्री तो ये मेरा मेन एंगल है, पर पूछा क्या रिफ्लेक्स एंगल, तो 360 से माइनस कर दिया तो 345 मेरा आंसर आ गया, ठीक है। अब देखो, द रिफ्लेक्स एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक 720, ठीक है, 720। तो मैं पहले ये निकालूंगा इस तरीके से, तो मेरा 100 आ गया, पर ये 100 मेरा मेन एंगल है, पूछा है रिफ्लेक्स एंगल, तो 360 से मैं फिर से 100 माइनस कर दूंगा तो ये आ जाएगा 260, ठीक है। बहुत ही इजी तरीके से मैं करा दे रहा हूँ, एक वीडियो में पूरा आपका क्लॉक खत्म। अब कुछ इस टाइप के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो पहले ना हमने दो तरीका का कर लिया, अब ये तीसरा तरीका को आपको पूछा जाता है। देखो कैसे, एक घड़ी में 7:30 हुए, ठीक है। मान लो ये का आपका कोई घड़ी है, ठीक है, यहाँ आपका 12, यहाँ आपका 6, यहाँ आपका 3, यहाँ आपका 9, ठीक है। मान लो यहाँ आपका ये 7 है, ठीक है, तो क्या बोला कि 7:30 बज रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ गया और ये आपका यहाँ है, ठीक है, क्या बज रहा है, सॉरी, ये आपका ये मान लेना, ठीक है, ये आपका आवर वाला है, ठीक है, ये आपका मिनट वाला है, ठीक, 7:30 बज रहा है, ठीक है। तो ये बोला है कि एक घड़ी में 7:30 बजे, जैसे कि आप यहाँ भी देख रहे होगा 7:30 बजे हैं, यदि मिनट की सुई पूरब में, ठीक है, तो मिनट की सुई, तो मिनट वाला कहाँ है, आप डेफिनेटली ये वाला होगा, ये पूरब में, पूरब में मतलब क्या, ये ईस्ट में, ठीक है। पर ईस्ट हमारे यहाँ होता था, पर वो जो क्वेश्चन में बोला आपको उसको मानना है, ठीक है, ये ईस्ट यहाँ है, ठीक है, ईस्ट में है। तो घंटे की सुई
कि दिशा क्या होगी। देखो जैसे कि मेरा ईस्ट, अगर मैं ओरिजिनल ड्रॉ करूँ तो क्या सा होता है, मेरा ये ईस्ट होता है, ठीक है, ये मेरा साउथ होता है, ये मेरा वेस्ट होता है और ये मेरा नॉर्थ होता है। मतलब क्या हुआ, ये 90 डिग्री शिफ्ट कर दिया गया, मतलब ईस्ट यहाँ था तो ईस्ट यहाँ ला दिया गया, ठीक है। तो ये साउथ यहाँ था तो मेरा अगर ईस्ट यहाँ था, ठीक है, तो ईस्ट के बगल में यहाँ क्या होता है, तो साउथ यहाँ चला जाएगा, नॉर्थ यहाँ हो जाएगा और आपका ईस्ट नॉर्थ जो सॉरी ईस्ट यहाँ चला जाएगा, ठीक है। तो आपका ये जो ईस्ट मैंने क्या किया, 90 डिग्री यहाँ शिफ्ट किया, ठीक है। देखो नॉर्थ ईस्ट साउथ इस तरीके से, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखा जाए तो ईस्ट मुझे उसने यहाँ बोला है, ठीक है। जब ईस्ट मुझे उसने यहाँ बोला तो ईस्ट मेरा क्या था, यहाँ था, तो मैंने क्या कर दिया, इसको 90 डिग्री यहाँ शिफ्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ का क्या होगा, यहाँ साउथ जो होगा ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ साउथ यहाँ आ जाएगा, और वेस्ट कहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये नॉर्थ आ जाएगा। मतलब बस एक 90 डिग्री शिफ्ट कर दिया। तो पूछा है कि जो मेरा ये जो आवर वाला है वो कहाँ होगा, तो ये मेरा मिनट वाला यहाँ दिखाया हुआ है, तो यहाँ देखो तो ये आवर वाला कहाँ हो जाएगा, मेरा यहाँ हो जाएगा। तो आवर कहाँ है, साउथ और ईस्ट के बीच में है, तो ये हो जाएगा मेरा साउथ और ईस्ट, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। करना कुछ नहीं था, सिंपली उसने बोला कि 7:30 बजे, तो हम लोग ने 7:30 बजा दिया। उसने बाद बोला कि जो मेरा जो मिनट हैंड है वो ईस्ट में दिखा रहा है, तो ये ईस्ट में दिखा रहा है, पर ओरिजिनली मेरा ईस्ट कहाँ होता है, मेरा ओरिजिनली ईस्ट तो यहाँ होता है, पर वो अभी यहाँ दिखा रहा है, बोला कि वो यहाँ है, तो मैंने क्या किया, दे ईस्ट यहाँ बना दिया। तो ईस्ट के बगल में क्या होता है, ये मतलब ये लेफ्ट लेफ्ट साइड ईस्ट साइड क्या होता है, साउथ होता है, तो मैंने साउथ यहाँ लिख दिया। इसके इधर क्या होता है, वेस्ट होता है, या आप डायरेक्टली देख लो, 90 90 डिग्री शिफ्ट किया, तो मैंने 90 90 डिग्री शिफ्ट कर दिया डायरेक्टली आपका। आप पूछा उसके बाद क्या है कि जो, तो घंटे की सुई किस दिशा में, तो अगर ये यहाँ है तो घंटे का सुई तो यहाँ था, तो किसके दिशा में, साउथ और ईस्ट में, ईस्ट साउथ नहीं होता, हमेशा ये इस साइड से लिया जाता है, ठीक है। तो साउथ ईस्ट हो गया, तो आंसर हो गया साउथ ईस्ट। इस टाइप के क्वेश्चन शायद मैंने एक ही लिया है, प्लीज़ इसको फिर से एक बार और आप कर लेना, बाकी और कभी करेंगे हम लोग, ठीक है। अब ये चीज़ ध्यान से समझोगे, ठीक है। अब देखो, एट वाट टाइम बिटवीन 3 to 4, ठीक है, मतलब थ्री पहले 3 बज रहा है, ठीक है, 3 to 4 मतलब, ठीक है। एट वाट टाइम बिटवीन 3 to 4 विल द हैंड्स ऑफ द वॉच टुगेदर, मतलब 3 से 4 के बीच में, ठीक है, 3 से 4 के बीच में, तो पहले अभी 3 बज रहा है, ठीक है, 3 से 4 के बीच में कब जो आपका आवर हैंड है और मिनट हैंड है जो साथ में रहेगा, ठीक है। जब साथ में होगा तो मतलब क्या, ये वाला जो घूमते 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 यहाँ आ जाएगा, दोनों साथ में हो जाएगा। जब ये दोनों साथ में होगा तो एंगल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, यही सिंपल एक फॉर्मूला से पूरा आपका खत्म हो जाएगा, 11/2 इंटू मिनट -30 इंटू एच, ठीक है। तो एंगल की जगह क्या लिखोगे, मुझे पता है अभी एंगल क्या है, मुझे अभी मिनट निकालना है, क्योंकि बोला कि 3 से 4 के बीच में कब ऐसा समय आएगा जब ये मिनट हैंड एंड आवर हैंड दोनों साथ में होंगे, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, 3 बज के कुछ मिनट में ही होगा जब वो दोनों साथ में होंगे, 3 बज के कुछ भी मिनट में होगा, डेफिनेटली ये कि उन दोनों साथ में होंगे। अब 3 तो हो गई, ठीक है, ये तो मुझे पता है, एग्जैक्टली मुझे निकालना क्या है कि मिनट निकालना है, क्योंकि 3 बज के कुछ मिनट में ही होंगे जो इन लोग साथ में होंगे, ठीक है, क्योंकि मुझे इन दोनों के बीच में निकालना है ना, 3 से 4 के बीच में, तो 3 बज के कुछ मिनट में होंगे जब वो दोनों साथ में होंगे, तो मुझे क्या निकालना है, मिनट निकालना है। तो देखो, तो मुझे ये वाला मैंने फॉर्मूला बताया, तो एंगल अभी दोनों में क्या है, जब दोनों साथ में हो जाएंगे तो एंगल हम लोग अब यहाँ 0 रखेंगे, ठीक है। पहले हम लोग एंगल निकाल रहे थे, अब हम लोग क्या निकालना है, मिनट निकालना है। तो यहाँ 11/2 मिनट मुझे निकालना है, और आवर देखो 30 इंटू क्या दोगे, आवर आप 3 से 4 के बीच में बोले, तो आप 3 लोगे यहाँ, ठीक है, हमेशा याद रखना पहले वाला लेते। तो इसको सॉल्व करोगे 11/2 इंटू मिनट, ठीक है, यहाँ आ जाएगा आपका 90, ठीक है, 90 आप इधर ला लेके आ जाओ, तो 90 ये 2 इधर आ जाएगा, तो 2 / 11 इंटू मिनट, ठीक है। इसको आ आप मिक्स फ्रैक्शन में लिखोगे ये तो ये आ जाएगा 16/4, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा, अब 3 बज के 16/4 में हो जाएगा जो तीनों साथ में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इस तरीके से। एक तो आप इस तरीके से कर सकते हो जैसे मैंने आपको फॉर्मूला बताया, अब मैं बताता हूँ कि विद इन ए सेकेंड इसको आप कैसे कर सकते हो। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, चाहे आपको बोले कि दोनों साथ में हैं, चाहे वो आपको 90 डिग्री दोनों बना रहे हैं, चाहे 180 कोण बना रहा है, कुछ भी क्वेश्चन पूछ ले कि आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच दोनों 90 डिग्री में है कब होगा, चाहे आपका 180 डिग्री में कब होगा, तो देखो कैसे करना है। अभी यहाँ क्वेश्चन दिया है, देखो क्वेश्चन करोगे समझ में आ जाएगा कि मैं बोल क्या रहा हूँ, ठीक है। प्लीज़ वीडियो को एक बार और देखना है, ठीक है, हो सके तो 2 बार देखिएगा। चलो देखो, तो 3 से 4 के बीच में, तो देखो जो सेम चीज़ को करने के लिए ना आप 2-3 वीडियो देखते हो, ठीक है, वो सब चीज़ को मैं एक में ही बता दे रहा हूँ पूरा निचोड़, ठीक है। देखो तो 3 से 4 को, 3 से 4 पे एक तो आप ये मेथड यूज़ कर सकते हो जैसे कि मैंने बताया। अब देखो क्या करना है, अब जो भी दिया होगा उसको 11/2 इंटू स्पेस गेन, ठीक है। अब स्पेस गेन क्या है, अब मैं बताता हूँ। देखो
मुझे क्या पूछा है कि 11/2 में रखूंगा हमेशा, ये मेरा रहेगा, ये मैं बता रहा हूँ शॉर्ट ट्रिक डायरेक्टली कैसे करते हैं, ठीक है, सॉरी 12/11 रहेगा, ठीक है, यहाँ 12/11। अब मैं क्या करूँगा, मुझे क्या पूछा है कि इन दोनों के बीच में, ठीक है, पहले क्या बोला कि तीन तीन से चार के बीच में, ठीक है, तीन से चार के बीच में इन दोनों कब साथ में होगा, तो ये है आपका मिनट हैंड, ठीक है, ये है आपका आवर, अभी बज रहा है तीन। अब देखो इन दोनों के बीच में गैप कितना है, गैप कितना है, तो है आपका 15 मिनट का। अब बस यहाँ 15 लिख देना, ठीक है, तो यही चीज़ में निकला है 12/11 और इनटू स्पेस गेन। स्पेस गेन मतलब होता है इन दोनों के बीच में गैप कितना हो, तीन से चार के बीच में पूछा है ना, तो आप क्या करना, तीन पहले बजा लो और उन दोनों के बीच में देखो कि गैप कितना है, ठीक है, तो कितना मिनट का गैप है, तो आपका है 15 मिनट का गैप है, तो आप 15 मिनट यहाँ डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो, 16/4/11 आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, तो क्या होगा 3 16/4/11 इसका आंसर होगा। मैं एक और करके दिखाता हूँ और अच्छे से समझ में आएगा। देखो एट वाट टाइम बिटवीन 6 to 7 o'clock विल दी हैंड्स ऑफ दी वॉच बी टूगेदर। अगेन आप इसको इस फॉर्मूला से भी कर सकते हो, यहाँ यहाँ जीरो रखोगे, 11/2 इंटू मिनट मुझे निकालना है, क्योंकि 6 बज के कुछ मिनट पे ऐसा होगा जब दोनों साथ में होंगे, तो 6 तो यहाँ फिक्स है, अब मुझे मिनट निकालना है, इंटू मिनट इंटू 30 इंटू एच, एच क्या करोगे, यहाँ आप 6 लिखोगे, इसको आप सॉल्व करोगे तभी भी आपका क्या आ जाएगा, जब मिनट जो है आप सॉल्व करोगे तो 32/8/11 आएगा, पर इसको आपको थोड़ा सॉल्व करना है। अब मैं डायरेक्टली मैंने कैसे बताया था, 12/11 इंटू स्पेस गेन। अब देखो आपको क्या बनाना है, 6 बजाओ, ठीक है, 6 बजाओ पहले, तो यहाँ आपका हो गया आपका मिनट हैंड और यहाँ हो गया आपका आवर, ये 6 बज रहा है। अब इन दोनों को साथ में रहना है, तो साथ में रहने के लिए कितना स्पेस होगा, इसको कितना चलना पड़ेगा, यहाँ तक आना पड़ेगा, तो बस आप देखो स्पेस गेन कितना है, स्पेस गेन जो आप देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक कितना है आपका, 6 बजा दिया आपने और स्पेस गेन देखा 30 मिनट है, तो डायरेक्टली आपने 30 से यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो मिस फ्रैक्शन में आ जाएगा 32/8/11, ठीक है, आप इसको सिंपली डिवाइड कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, तो 32/8/11, तो आंसर क्या हो जाएगा, 6 32/8/11, तो 6 32/8/11 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और कर लेते हैं कुछ, देखो एट वाट टाइम मतलब 8 बजे व 9 बजे के बीच स्विच कब एक दूसरे के ठीक विपरीत हो गए। अब यहाँ पूछा है दोनों अपोजिट हो जाएगा, तो सेम फॉर्मूला, ये फॉर्मूला हमेशा एवरग्रीन है, सब आपका निकल जाएगा, तो यहाँ हम लोग ने क्या पढ़ा, 11/2 इंटू मिनट इंटू क्या 30 इंटू एच, ठीक है, तो यहाँ मुझे क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कि दोनों अपोजिट है, तो एंगल कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, ठीक है, मुझे श्योर है 8 बज के कुछ मिनट में ही ऐसा होगा, 8 बज के कुछ मिनट में होगा, तो 8 तो मेरा फिक्स है, क्योंकि 8 से 9 के बीच में मेरा, तो 8 से 9 के बीच में मतलब 8 तो मेरा फिक्स है, मिनट मुझे यहाँ निकालना है, ठीक है, तो 180 यहाँ ऐसे ही रहेगा, ठीक है, यहाँ 11/2 इंटू मिनट, मिनट मेरा कितना दिया हुआ है, मिनट मुझे निकालना है, -30 इंटू एच मुझे कितना दिया हुआ है, तो यहाँ 8 लूँगा, पहले वाला लेना, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 180, ठीक है, ये 8 का 24 240 हो जाएगा। बट एक चीज़ याद रखना, अब यहाँ अगर इधर लिखोगे तो ये प्लस में आ जाएगा 240, पर मेरा जो पूरा का पूरा जो होता है एक सर्कल वो कितना होता है 360 का होता है, तो अगर इसको देखोगे तो 360 से ज़्यादा हो जाएगा, 240 एंड 180, मतलब ये जब इधर आएगा ये माइनस वाला, तो ये माइनस में नहीं होगा, ये क्या होगा, मतलब इस साइड जब आएगा तो ये तभी भी माइनस में ही होगा, तो आपको ये दिमाग एक सिंपल सा लगाना है, अगर मैं फॉर्मूला में तो यहाँ माइनस है ये हमेशा रहेगा, बट जब इसको हम लोग इस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो ये जो आ रहा है 360 से ज़्यादा आ रहा है, इसमें अगर प्लस करेंगे तो, बट ऐसा नहीं पॉसिबल है, तो इसलिए हम लोग इसको माइनस ही रखेंगे इवन इधर इक्वल के इस साइड लाने के बाद, और यहाँ 11/2 इंटू मिनट, ठीक है, मिनट रखेंगे, तो यहाँ मिनट जब फाइनल निकालोगे तो ये आपका जो आ जाएगा 10 10/11 आ जाएगा, ठीक है, आप तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 8 बज के 10 10/11, ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 10/11। एक तो इस तरीके से कर सकते हो आप, ठीक है, अब ये मैंने सॉल्व यहाँ नहीं किया, आप इतना मैं मान के चला हूँ कि इतना आप कर लोगे, अब मैं इसको डायरेक्टली करवाता हूँ, ये डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है, सॉल्व करना मैं छोड़ रहा हूँ, मतलब ये नहीं कि डिफिकल्ट है, अब देखो मैं इसको डायरेक्टली सॉल्व करवाता हूँ, आप कर कैसे दो, 12/11 लिखूंगा, 8 पहले आप 8 बजाओ इसको, ठीक है, पहले 8 में बजा लूंगा, तो 8 कैसे बजेगा आपका, यहाँ जो होगा आपका ये मिनट हैंड होगा और आपका जो ये होगा आपका ये आवर हैंड यहाँ होगा। अब देखो इसने बोला क्या है, इसने बोला है कि हमें यहाँ साथ में नहीं रखना है, यहाँ हमें अपोजिट रखना है, ठीक है, तो अपोजिट रखना है तो मतलब कितना हमें रखना पड़ेगा, देखो हमें कितना बजाना है, 8 बजाना है, ठीक है, तो अगर मैं इसको अपोजिट रखूँ, अपोजिट मतलब क्या, अगर मैं इसको पीछे खींच दूँ, ठीक है, इधर आ जाएगा, ठीक है, ये यहाँ, ठीक है, अगर ये यहाँ आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 10 मिनट, 10 मिनट का गैप होगा, 10 मिनट का आपको दिख रहा होगा, ये 10 मिनट का गैप है, अगर इधर आ जाता है तो डायरेक्टली ये अपोजिट हो जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा, ये 10 मिनट का गैप हो जाएगा, मतलब मुझे क्या देखना है, अब इन दोनों के अपोजिट करना है बस, ठीक है, तो अपोजिट होगा तो ये हो जाएगा आपका 12/11 इंटू 10
तो ये हो जाएगा 120/11, ये हो जाएगा 10 10/11, ये मुझे मिनट देता है, ठीक है एक्चुअली। तो ये क्या हो जाएगा आपका 8:10 10/11। या डायरेक्टली आप ये फॉर्मूला करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये याद रखना जब ये 240 इधर ले जाओगे तो माइनस है तो उसको तो प्लस मत कर देना, ये माइनस में ही आएगा, ठीक है। अब ये देखो एक और क्वेश्चन देखते हैं, एट व्हाट टाइम 10 to 11 विल दी हैंड्स ऑफ द क्लॉक अपोजिट कब होगा, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, 10 बजाओ, देखो पहले आप 10 बजा लो, ठीक है। तो ये आप इसको इधर ही रखो और ये आवर हैंड इधर रखो, ठीक है। अब देखो मुझे क्या देखना है, अपोजिट करना है। तो अगर मैं अपोजिट करूंगा तो देखो मुझे यहाँ 10 है, अपोजिट करने के लिए मिनट हैंड कहाँ लाना पड़ेगा, मुझे यहाँ 4 पे लाना पड़ेगा, तभी तो ये अपोजिट होगा। तो मैं अगर मैं इसको 4 पे लाता हूँ इधर, तो मुझे कितना चलना पड़ा, आपको चलना पड़ा 20 मिनट। तो आप क्या करोगे, 12/11 इंटू स्पेस गेन कितना, 20, तो 29/11 इसको सॉल्व करोगे तो मिक्स फ्रैक्शन में इतना ही आता है, तो ये आ जाएगा 10 29/11। तो 10 20 21 कहाँ गया, 10 10 20, ये कुछ हमने गलती कर दिया क्या, इसको सॉल्व करोगे तो कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है, मैं इसको बार बार सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, बस देख लो एक बार अच्छे से, इसको फिर से कर देता हूँ। आप यहाँ देखोगे 12/11 इंटू स्पेस गेन, स्पेस गेन देखो मुझे क्या करना है, अपोजिट करना है। तो पहले मैं क्या करूँगा, मैं 10 बजाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ आपका हो गया आपका मिनट हैंड और आपका ये हो गया आपका आवर हैंड, ठीक है। तो इसको अपोजिट करने के लिए क्या होगा, आवर हैंड तो धीरे चलता है, इसको मिनट हैंड को कहाँ लाना पड़ेगा, मुझे 4 में लाना पड़ेगा, मुझे कितना, मैं 5 10 20 मिनट चलना पड़ता है, यहाँ मैं लिखूंगा 20। आप इसको सॉल्व कैसे करोगे, तो देखो आप इसको करोगे 220/11, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 21/9/11, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका, हो जाएगा 10:21/9/11 में दोनों अपोजिट होंगे, ठीक है। एक ये करोगे, चाहे आपको मैंने फॉर्मूला बता दिया। अब ये देखो, आफ्टर हाउ मेनी मिनट पास्ट, अब पास्ट मतलब इसको इस क्वेश्चन में कन्फ्यूज मत हो जाना, पास्ट मतलब 7 बजे के बाद है, वो ये पूछ रहा है, ठीक है। मतलब 7 बजे के बाद, ये क्वेश्चन का हिंदी नहीं है मैं बता देता हूँ, 7 बजे के बाद, ठीक है, कब ऐसा होगा, जब मिनट हैंड और आवर हैंड जो है दोनों 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है। तो मैं पहले क्या करूँगा, मैं पहले 7 बजा दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका मिनट हैंड, ठीक है, ये हो गया आपका आवर हैंड, और क्या बनाना है इसको, 90 डिग्री बनाना है फॉर द फर्स्ट टाइम। अब यहाँ फॉर द फर्स्ट टाइम क्यों लिखा हुआ है, मतलब पहली बार वो कब, पहली बार ऐसा कब होगा जब 7 बजे के बाद, ठीक है, मिनट हैंड और आवर हैंड है जो आपका 90 डिग्री बनाएगा। मैंने बोला है कि जो 90 डिग्री जो होता है, एक आवर में दो बार 90-90 डिग्री का कोण बनाता है मिनट हैंड और आवर हैंड। तो देखो, तो और मैंने क्या बताया था, जब भी दोनों के बीच में 90 डिग्री बनेगा कब, जब दोनों के बीच में 15 डिग्री का गैप होगा। तो देखो 15 डिग्री का गैप कितने के लिए, मुझे यहाँ आना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ आना पड़ेगा, मतलब कितना, मुझे 10 मिनट चलना पड़ेगा, ठीक है। ये देखो क्या बोला है, 90 डिग्री का कोण बनाना है ना मुझे, तो मुझे 7 मैंने यहाँ बना लिया, सॉरी, अब आवर हैंड को मूव नहीं करना है, आपको मिनट हैंड को मूव करना है, मैंने आवर हैंड को कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया आपका मिनट हैंड, ठीक है, और ये हो गया आपका आवर हैंड, ठीक है। तो आवर हैंड तो इधर ही रहेगा, मुझे क्या करना है, इन दोनों के बीच 15 मिनट का गैप बना है, तो 15 मिनट मतलब क्या, मुझे यहाँ लाना पड़ेगा मिनट हैंड को, तो मिनट हैंड को इधर 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 लाना पड़ेगा, मतलब अब इनको कितना है, 15 डिग्री है, तो 15 डिग्री मतलब ये 90 बनाएगा। तो देखो कितना चलना पड़ा, 5 5 5 5, मतलब 20 मिनट चलना पड़ा। 12/11 इंटू 20 कर दिया मैंने, 21/9/11 है, बाकी आप इस तरीके से भी कर सकते हो। तो इसका जो आंसर आ जाएगा 7 21/9/11, ठीक है। ये बेहतरीन तरीका मैंने आपको समझाया, ये 12/11 वाला। अगर ये समझ में नहीं आया तो वीडियो एक बार और देखोगे, और ये जो है एवरग्रीन आपका फॉर्मूला तो है ही, ठीक है। अब इसको जल्दी से करेंगे, सेम चीज मैंने क्या बताया था, जो आपका जो 90 डिग्री होता है एक आवर में दो बार बनाते हैं। आप देखो उस चीज़ का भी आपको कंसेप्ट अभी क्लियर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन तो ये था कि 7 बज के 7 से, ठीक है, 7 बजने के बाद, ठीक है, 7 बजे के कितने मिनट बाद, ठीक है, जो है मिनट हैंड आवर हैंड है जो आपका 90 डिग्री बनाएगा पहली बार, ठीक है। तो पहली बार तो मैंने आपको समझा दें, अब देखो ये दूसरी बार कब बनेगा। तो पहले क्या मतलब, 7 बजाता हूँ मैं, ठीक है, तो ये 7 बज गया, ठीक है, ये आपका यहाँ है। तो पहली बार तो कब बनाया, जब ये यहाँ था, ठीक है, तो 15 डिग्री का गैप होगा। अब दूसरी बार कब बनाएगा, जब ये फिर यहाँ होगा, ठीक है, फिर यहाँ 15 मिनट का इसका गैप हो जाएगा, ठीक है।
तो अब इसको कितना बार चलना पड़ेगा, पर ये सेकेंड टाइम बोला है, पहला बार नहीं बोला है, पहला बार तो ये इसमें ही बना रहा है। तो दूसरा बार ये यहाँ था, मैंने 7 बजा है, ठीक है, तो यहाँ 7 बजा दिया। तो अगर मुझे बोलता कि पहला बार वो 90 डिग्री कब बनाएगा, तो इन दोनों का बीच देखो तो 90 आ गया। फिर तो ये तो मुझे पहला बार मैंने ऑलरेडी, यहाँ पूछा कि सेकेंड टाइप कब बनाएगा, तो मिनट हैंड फिर से ऐसे 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 जाएगा। फिर 15 मिनट का गैप कब आएगा, जब ये मिनट हैंड यहाँ पहुँच जाएगा और ये आवर हैंड यहाँ रहेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, आपको लग सकता है कि थोड़ा आवर हैंड भी इधर इधर चलेगा, पर उतना मायने नहीं रखता है। आपको मेन चीज़ देखना है कि दोनों का बीच में कितना गैप है, ठीक है। इसको इधर ही फिक्स रखो, आपको सिर्फ मिनट हैंड को चलाना है। तो कितना चला, यहाँ से यहाँ 30, 40, 50 चला, तो मैंने लिख दिया 12/50, ये आ गया आपका 54/6/11। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 754/6/11, ठीक है। इसको पूरे के पूरे को वीडियोज़ को एक बार और देखिएगा, ठीक है। कुछ चीज़ अगर आपको समझ में ना आए तो आप ज़रूर हम मुझसे कांटेक्ट करें, ठीक है। विदाउट समझ के आगे नहीं जाना है, बट जो मैं कंटेंट क्वालिटी जो दे रहा हूँ इसको अगर आप कर लेते हो तो हर एक एग्जाम में आप अच्छा नंबर लेके आओगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ड्रीम डोज, और मेक श्योर कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ आप बता देना, ठीक है। हम लोग डाउट पे जरूर काम करेंगे, मैं नेक्स्ट वीडियो में उस डाउट को